और जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रात में ही दिव्यांग सीमा के घर पहुंचे हैं अधिकारी और दिव्यांगजन कोषांग के सहायक निदेशक पहुंचे सीमा के घर। आपको बता दें कि सीमा को मिलेगा नया आर्टिफिशियल पैर, तो जिला प्रशासन ने इस बात की जानकारी दी है। पहले आर्टिफिशियल पैर दिया गया था लेकिन उसके छोटे हो जाने से उसे काफी परेशानी हो रही थी। सीमा की परेशानी पर न्यूज 18 ने खबर दिखाई और इस खबर का असर भी हो गया है। जमुई से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रात में ही दिव्यांग सीमा के घर पहुंचे अधिकारी और आपको बता दें कि दिव्यांगजन कोषांग के सहायक निदेशक सीमा के घर पहुंचे और उसे आर्टिफिशियल पैर जिला प्रशासन देगी, इसकी जानकारी दे दी गई है। पहले भी हालांकि उसे आर्टिफिशियल पैर दिया गया था लेकिन क्योंकि उसका हाइट बढ़ गया और इस वजह से उसका वो पैर छोटा हो गया, उसे काफी परेशानी हुई और इसे लेकर के न्यूज 18 बिहार झारखंड ने एक खबर दिखाई जिस खबर का बड़ा असर हुआ है। और अपने हौसलों से चुनौतियों को पछाड़ने वाली नन्ही सीमा मदद की बाट जो रही थी, न्यूज 18 की पहल पर सीमा को मदद मिली है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये है सीमा, कुछ याद आया? हाँ, फतेहपुर गांव की रहने वाली 10 साल की वही सीमा जिसने हादसे में अपना एक पैर गवा दिया था। न्यूज 18 ने पहल की तो मदद भी मिली, आर्टिफिशियल पैर भी लग गए। लेकिन 2 साल बाद सीमा 12 की तो हो गई, लेकिन उसकी परेशानी भी उम्र के साथ साथ बढ़ गई है। परेशानी उम्र के साथ उसकी बढ़ती लंबाई ने भी बढ़ाई है और उन आर्टिफिशियल पैरों को छोटा कर दिया। बाकी की बात सीमा खुद बता रही है। पहनते तो दर्द करता है। तो स्कूल कैसे जाती हो? स्कूल जाती हूँ हिला पिंक। तो दिक्कत हो रही है चलने फिरने में? हाँ। तभी फुदुक फुदुक कूद कूद कर ही जा रही हो एक ही पैर पे? हाँ। अच्छा, पढ़ना क्यों चाहती हो? पढ़ के सब बच्चों को पढ़ाए। टीचर बनना चाहती हो? अब जाने स्कूल जाना ही है। हाँ। माता पिता भी परेशान हैं। आंगन में एक पैर से चिड़ियों की तरह फुदकती बेटी सीमा को देखकर उनका मन भी भारी हो जाता है, क्योंकि वो इंसान है। इतने ना पैसे हैं और ना पहुंच कि कुछ कर सके। मदद के हाथ सीमा के पैरों के लिए आज भी फैले हुए हैं। परेशानी सीमा चल नहीं पाता, छोटा हो गया पैर। हाँ। तो सोच रहा है हमको लगवा दो तो हम कहाँ कमाएंगे तभी लगवाएंगे। अच्छा, तो क्यों नहीं? हम लोग तो कमाने खाने में रह जाते हैं। हाँ। तो कैसे होगा? अच्छा, ई रिक्शा मिला था उसको? हाँ। रिक्शा मिला था उसको, सब खत्म हो गया। और साइकिल भी मिला था, वो सब क्या हुआ? सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया तो बनवाए नहीं आप? तो सब पैसा रहेगा तब ना बनवाएंगे। हम तो कमाने बच्चे को तो खिलाने रह जाते हैं। छोटा हो गया पर अब अभी जाने पड़ेगा बच्चा लोग। अभी पिछुल है तो पिछुल में जाएगा तो नहीं गिरेगा। हाँ। तो भैंस लिया अभी नहीं आई, खाना जाना दे रही है उसको, बेटी नहीं जा पाएगी। तो स्कूल जाना जरूरी है? हाँ, जाना जरूरी है। क्यों? पढ़ेगा अपन कैसे करके खाएगा, हमको क्या करेगा। सीमा अपने सपनों तक पहुंचना चाहती है लेकिन इस हालात में वो हिम्मत हार जाती है, फिर खड़ी होती है और फिर एक बार असहाय हो जाती है। न्यूज 18 एक बार फिर से सीमा की आवाज बन रहा है ताकि सरकारी मदद उसके पैर बनकर उसे कामयाबी के रास्ते पर चलने में उसकी मदद करे। जमुई से न्यूज 18 के लिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट।